हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है दोस्तों, मेरी चैनल टेक ज्ञान पे आप सबका स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले बहुत सारे इंटरेस्टिंग टेक अपडेट्स जो निकल के आई उसके बारे में। हालांकि टेक अपडेट्स में आपको बताना शुरू करूं उससे पहले और एक बात की, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे चैनल को, साथ में बेल आइकन को दबा के ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए ताकि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूँ आप तक सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन पहुँच जाए और आप वीडियो को एंजॉय कर पाओ। अगर आपको मेरी ये टेक न्यूज़ वाली जो वीडियोस होती है ये पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक करना ना भूलें ताकि इसे मुझे भी और मोटिवेशन मिलेगा और अच्छे से वीडियो बनाने के लिए और कंटेंट अच्छे से लाने के लिए आप तक। तो चलिए देखते हैं कि अब क्या अपडेट्स निकल के आई है आज। अब जो पहली अपडेट निकल के आ रही है वो है वन प्लस के बारे में। वन प्लस बर्ड्स जो है उसका जो लुक कैसा दिखने वाला है और कौन से कलर में आने वाला है वो रिवील हो चुका है। अकॉर्डिंग टू ईव लीक्स ये जो वन प्लस बर्ड्स होने वाले हैं वो तीन कलर में आने वाले हैं, ब्लैक, वाइट और टर्कोइश कलर। जी हाँ, टर्कोइश यानी कि थोड़ा सा ब्राइट ग्रीन या फिर पेस्टल जो ग्रीन आता है उस टाइप का शेड होगा, वो कलर में ये वन प्लस बर्ड्स जो है वो आने वाले हैं। और कहा जा रहा है कि इसकी जो प्राइस होने वाली है वो काफ़ी अच्छी होने वाली है, यानी कि अंडर $100 होने वाली है। तो हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अराउंड 5000 to 7000 के बीच में जो है इसकी प्राइस हो सकती है। अब जो अपडेट निकल के आ रही है वो है सैमसंग के स्मार्टफोन के बारे में। सैमसंग का जो M31S स्मार्टफोन जो आने वाला है जो मैसिव 6000 mAh बैटरी के साथ आएगा, तो वो स्मार्टफोन जो है उसकी लॉन्च डेट जो है अब सामने आ गई है। 30 जुलाई को जो है ये स्मार्टफोन इंडिया के अंदर जो है वो ऑफिशियली लॉन्च होने जा रहा है। अब जो अपडेट निकल के आ रही है वो है ओप्पो के स्मार्टफोन के बारे में। ओप्पो का जो ओप्पो रेनो 4 प्रो जो स्मार्टफोन है वो 31 जुलाई को जो है इंडिया के अंदर लॉन्च होने जा रहा है। और रिपोर्ट के अनुसार कहा जा रहा है कि उसके साथ जो है ओप्पो की स्मार्ट वॉच भी लॉन्च हो सकती है। और ओप्पो की जो स्मार्ट वॉच है वो दो साइज़ में आने वाली है, 41 mm और 46 mm। और ये हालांकि वाटरप्रूफ रहने वाली है, 3 मीटर तक पानी में जो है ओप्पो की ये वॉच को जो है वो कुछ नहीं होगा। साथ में 1.6 इंच की जो है एमोलेड स्क्रीन के साथ ये स्मार्ट वॉच आने वाली है। और कहा जा रहा है एप्पल की तरह ही इसके अंदर जो है आप वॉच के अंदर से ही कॉल पिकअप और ड्रॉप कर पाओगे, इससे बात कर पाओगे, साथ ही में मैसेज का रिप्लाई भी जो है आप अपने जो वॉच होगी उसमें से आप कर पाओगे। तो ये ऑलमोस्ट दिखती भी एप्पल की तरह ही है और कुछ फंक्शंस भी जो है वो एप्पल वॉच की तरह ही इसके अंदर दिए गए हैं। हालांकि इसकी प्राइस के बारे में बात करें तो 41 mm की जो वॉच होगी वो कहा जा रहा है कि अराउंड 15000 के आसपास आने वाली है, और 46 mm की जो साइज़ की जो वॉच है कहा जा रहा है कि वो 20000 के आसपास लॉन्च हो सकती है। अब जिस अपडेट के बारे में बात करने वाला है वो है ASUS ROG Phone 3 के बारे में। एक रेंडर निकल के आया है जिसके अंदर हम उसकी एक एसेसरी जो है उसे देख पा रहे हैं कि इसे कहा जाता है एरो एक्टिव कूल। ये एसेसरी फ़ोन पे लगाते ही हमारा जो फ़ोन है वो थोड़ा इसे हम कूल डाउन कर पाएंगे और या फिर इसे वो हीट नहीं होने देता है, तो इसे कहा जाता है एरो एक्टिव कूल कहा जाता है। हालांकि इससे जो है फ़ोन थोड़ा आपको बल्की दिखेगा और बट जो गेमिंग के लिए जो लोग यूज़ करते हैं कंटिन्यूसली जो लोग खेलते हैं उसके लिए ये एक एसेसरी में एक अच्छा ऑप्शन है। तो ये एक रेंडर जो था वो लॉन्च से पहले ही अभी एक सामने निकल के आया है। अब जो अपडेट निकल के आ रही है वो है सैमसंग के स्मार्टफोन के बारे में। सैमसंग का जो अपकमिंग फोल्डेबल फ़ोन जो आने वाला है जो है गैलेक्सी Z Fold 2 उसे कहा जाएगा। और ये स्मार्टफोन के बारे में ये अपडेट निकल के आई है कि इसकी जो ऊपर की जो फर्स्ट स्क्रीन होगी तो कवर स्क्रीन, वो जो साइज़ है वो पुराने फ़ोन से जो है वो बड़ी होने वाली थी। तो जो पुराना फोल्डेबल फ़ोन था गैलेक्सी फोल्ड उसके अंदर कुछ 4.2-4.3 इंच की जो है वो स्क्रीन दी गई थी कवर डिस्प्ले, तो उससे क्या होता था कि काफ़ी सारे लोग जो है उसमें काफ़ी कुछ चीज़ें यूज़ नहीं कर पा रहे थे, उनको पर्टिकुलरली पर्पज़ के लिए जो है वो उनको फ़ोन ओपन करके ही यूज़ करना पड़ता था। बट अब Z Fold 2 के अंदर जो है वो 4.3 जो इंच की जो साइज़ थी कवर स्क्रीन की वो अब बड़ी कर दी गई है, यानी कि 6.3 इंच की जो है वो कर दी गई है फोल्डेबल Z 2 के अंदर। तो हो सकता है कि अब जो है काफ़ी सारे इश्यू जो है वो सॉल्व हो जाएंगे, आपको जो है वो फोल्डेबल फ़ोन ओपन करके यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, काफ़ी सारे काम जो है आपकी वो कवर डिस्प्ले से ही जो है वो ख़त्म हो सकते हैं। अब जो अपडेट निकल के आ रही है वो है अगेन सैमसंग के गैलेक्सी Z Fold 2 के बारे में ही है। पहले ये रूमर निकल के आया था, रिपोर्ट निकल के आई थी कि जो ये फोल्डेबल Z 2 जो है वो लॉन्च नहीं होने वाला है August 5 नोट 20 सीरीज़ के साथ। बट अब ये न्यूज़ आई है अकॉर्डिंग टू सैमसंग UK का जो ट्विटर हैंडल है उस पर एक शॉर्ट वीडियो जो है वो डाला गया था और जिसमें लिखा गया था न्यू लुक अनफोल्ड August 5, यानी कि August 5 को जो है एक फोल्डेबल फ़ोन का एक नया लुक जो है वो अनफोल्ड होने वाला है। तो अब ये कंफर्म हो चुका है कि ये गैलेक्सी Z Fold 2 जो है वो August 5 को जो है वो कंफर्म लॉन्च होने वाला है।
अब जो अपडेट निकल के आ रही है वो है रियलमी के स्मार्टफोन के बारे में। रियलमी का जो 6i जो है अब वो लॉन्च होने जा रहा है इंडिया के अंदर, जो लॉन्च होने वाला है 24 जुलाई को। और ये स्मार्टफोन यूरोप के अंदर जो है वो 6s के नाम से है, जिसके अंदर क्वाड कैमरा सेटअप लगा हुआ है। और ये सेम स्मार्टफोन जो है इंडिया के अंदर अब 6i के नाम से लॉन्च होने जा रहा है। तो वो जो क्वाड कैमरा का सेटअप है वो है 48+8+2+2 का है। 16 मेगापिक्सल का जो है हमें इसके अंदर सेल्फी कैमरा मिलने वाला है। और इसकी जो वेरियंट है वो यूरोप के अंदर हालांकि एक सिंगल वेरियंट है 4GB+128GB, जिसकी प्राइस यूरो में अगर आप देखने जाओ तो 199 यूरो है। यानी कि अकॉर्डिंग टू इंडियन प्राइस आप कन्वर्ट करोगे इसे तो कुछ 17,000 के आसपास इसकी प्राइस होती है। अगर ये सेम स्पेसिफिकेशन के साथ इंडिया के अंदर आता है तो इसकी प्राइस हम 17,000 के आसपास जो है वो मान के चल सकते हैं। या फिर इंडिया में जो है रियलमी प्राइस कम रखता है तो शायद हमें 15,000 या 16,000 के आसपास भी जो है इसकी प्राइस देखने को मिल सकती है। अब जो अपडेट निकल के आ रही है वो है अगेन एक सैमसंग के स्मार्टफोन के बारे में है। सैमसंग का जो S20 का जो लाइटर वर्जन आने वाला है S20 फैन एडिशन, उसके बारे इसकी कुछ लॉन्च डिटेल, कैमरा डिटेल और प्राइस कुछ निकल के आई है सामने। कहा जा रहा है कि ये जो स्मार्टफोन है वो मोस्ट प्रॉब्ली अक्टूबर के अंदर जो है वो लॉन्च हो सकता है। हालांकि अभी तक तारीख जो है वो सामने निकल के नहीं आई है। अब बात करते हैं इसकी जो कैमरा डिटेल निकल के आई है उसके बारे में। इसका जो मेन सेंसर होने वाला है कैमरा, हालांकि ये क्वाड कैमरा सेटअप के साथ आएगा, इसका जो मेन सेंसर होने वाला है वो है 50 मेगापिक्सल का ISO सेल GN1 सेंसर, जो फिलहाल जो अभी इसी 1 या 2 महीने पहले जो है सैमसंग ने अनाउंस किया था, जो डेवलप किया है। तो उस सेंसर के साथ ये स्मार्टफोन आने वाला है। और जो बाकी के 3 सेंसर हो गए वो है 12 मेगापिक्सल 12 मेगापिक्सल प्लस 8 मेगापिक्सल। और साथ ही में इसकी जो सेल्फी कैमरा होने वाला है वो है 32 मेगापिक्सल सेंसर का जो होने वाला है। और इसकी जो प्राइस कही जा रही है वो है $750। हालांकि S10 लाइट जो लॉन्च हुआ था उसकी प्राइस थी $650, और S20 फैन एडिशन होगा उसकी कहा जा रहा है कि प्राइस $750 कही जा रही है। और अगर हम इसे इंडियन प्राइस के अंदर कन्वर्ट करते हैं तो अराउंड हम मान के चल सकते हैं कि 45,000 to 49,000 के आसपास जो है ये लॉन्च होगा। अब जो अपडेट निकल के आ रही है वो है वोडाफोन की तरफ से। फिलहाल इंडिया के अंदर जो है हमें ई सिम जो है वो प्रोवाइड करवाता है एयरटेल और जियो। तो अब जो है वोडाफोन की तरफ से भी ई सिम की सर्विस जो है वो अवेलेबल है इंडिया के अंदर। हालांकि ये लिमिटेड कुछ जगह पे अवेलेबल है, जैसे कि मुंबई, दिल्ली और गुजरात, पहले ये 3 स्टेट के अंदर जो है ये सर्विस अवेलेबल होने वाली है। और स्टार्टिंग में जो डिवाइस इसके अंदर सपोर्ट करने वाले हैं वोडाफोन की तरफ से ये सिम दिया जाएगा जिन डिवाइस के लिए, उसके अंदर एप्पल के आईफोन्स जो है वो इंक्लूड होते हैं, जैसे कि आईफोन 11, 11 प्रो, 11 प्रो मैक्स, आईफोन XS, XS मैक्स, आईफोन XR, आईफोन SE। तो ये जो स्मार्टफोन है कुछ, तो इसी स्मार्टफोन के अंदर जो है फिलहाल ई सिम देने वाली। और बहुत जल्द जो है सैमसंग गैलेक्सी Z फ्लिप और फोल्ड, ये दोनों स्मार्टफोन के लिए बाद में जो है वो वोडाफोन ई सिम प्रोवाइड कर पाएगी। हालांकि ये जो ई सिम होगा वो सिर्फ पोस्टपेड यूज़र के लिए अभी स्टार्टिंग में होने वाला है, प्रीपेड यूज़र्स के लिए नहीं होने वाला है। अब जो अपडेट के बारे में बात करने वाले हैं वो है अगेन एक सैमसंग के स्मार्टफोन के बारे में ही है। आज बहुत सारी सैमसंग की तरफ से अपडेट्स निकल के आई है। हालांकि ये जो अपडेट है वो है सैमसंग के गैलेक्सी Z फ्लिप 5G वेरिएंट के बारे में है। ये स्मार्टफोन पहले सुनने में आया था कि अगस्त 5 को जो इवेंट होने वाला थे उसके साथ नोट 20 सीरीज के साथ जो है वो लॉन्च हो सकता है, बट जी नहीं, अब ये बहुत जल्द जो है वो लॉन्च होने वाला है। और ये इसकी जो लॉन्च डेट है वो निकल के आई है 22 जुलाई, चाइना के अंदर ये लॉन्च होने जा रहा है। अब जिस अपडेट के बारे में बात करने वाले हैं वो है रेडमी शाओमी की सब ब्रांड रेडमी के बारे में ही है, जिसने आज रेडमी ने इंडिया के अंदर जो है वो रेडमी नोट 9 जो स्मार्टफोन है वो लॉन्च कर दिया है। तो ये स्मार्टफोन जो है वो रन करने वाला है हीलियो का G85 SoC के ऊपर। साथ में इसके अंदर जो बैटरी रहने वाली है वो है 5020mAh की बैटरी, जो 22.5W के चार्जर के साथ आने वाली है। साथ में इसके अंदर क्वाड कैमरा सेटअप दिया गया है, जिसके अंदर सेटअप है 48+8+2+2 का सेटअप दिया गया है। 13 मेगापिक्सल का जो है वो सेल्फी कैमरा इसके अंदर हमें मिलने वाला है। साथ ही में इसका जो बेस वेरिएंट होगा वो है 4GB+64GB के साथ आएगा। और अब बात करते हैं इसकी प्राइस के बारे में, तो इसकी जो प्राइस जो बेस वेरिएंट की है 4GB+64GB, तो वो रखी गई है 11,999 रुपये, यानी कि ऑलमोस्ट 12,000। इसकी जो दूसरे वेरियंट की प्राइस है 4GB+128GB, इसकी प्राइस रखी गई है 13,499। और जो लास्ट वेरियंट है 6GB+128GB, तो इसकी प्राइस रखी गई है 14,999, यानी कि ऑलमोस्ट 15,000 की इसकी प्राइस रखी गई है। हालांकि इसकी जो सेल है इंडिया के अंदर वो 24 तारीख से शुरू हो जाएगी, और ये स्मार्टफोन अवेलेबल होगा आपको Mi.com या फिर Amazon के ऊपर से आप इसे परचेज कर पाओगे। अब जो अपडेट निकल के आ रही है वो है गैलेक्सी के नोट 20 का एक कैमरा फीचर जो है वो सामने निकल के आया है उसके बारे में है। कहा जा रहा है रिपोर्ट के अनुसार कि इसके अंदर जो प्रो वीडियो मोड दिया गया है S20 सीरीज़ की तरह ही,
तो उसके अंदर जो है वीडियो रिकॉर्डिंग के दौरान हम सिलेक्ट कर पाएंगे कि हमें कौन सा माइक यूज़ करना है। अगर आप फ्रंट वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हो तो आप सिर्फ फ्रंट माइक यूज़ कर सकते हो, अगर आप बैक साइड से वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हो तो आप बैक माइक यूज़ कर सकते हो, या फिर ब्लूटूथ माइक भी जो है यूज़ कर सकते हो, या फिर ओमनी माइक भी जो है यूज़ कर सकते हो। तो इस तरह का जो ऑप्शन है वो हमें इस नोट 20 सीरीज़ के अंदर जो है हमें मिलने वाला है। अब जो मैं आपको आखिरी बताने वाला हूँ वो है वन प्लस नॉर्ड के बारे में है। वन प्लस की तरफ से जो है ये रिवील किया गया है कि वन प्लस नॉर्ड के अंदर गूगल ड्यूओ कॉल्स एंड जो टेक्स्ट मैसेजिंग ऐप होगी वो गूगल की ही होने वाली है। ऑक्सीजन ओएस में जो हमें मिलता था वन प्लस की तरफ से जो मैसेजिंग ऐप या फिर जो कॉल ऐप वो नहीं होगी, गूगल की ऐप्स होने वाली है। तो एक अच्छी बात है गूगल की मैसेजिंग ऐप और जो है गूगल ड्यूओ जो बाई डिफॉल्ट हमें उसके अंदर मिलने वाला है। तो बस दोस्तों यही थी आज की सारी अपडेट। आशा रखता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, साथ ही में मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए, ट्विटर पर फॉलो कीजिए, फेसबुक मेरा पेज लाइक कीजिए जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूंगा। और अगर अभी भी आप मेरा ये वीडियो देख रहे हो तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, साथ ही में बेल आइकन को दबा के ऑल का ऑप्शन सिलेक्ट कीजिए ताकि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूँ आप तक सबसे पहले उसको नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप वीडियो को एंजॉय कर पाओ। थैंक यू।